इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सौभाग्य कोहिनूर, श्री संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, ग्रेटर कैलाश दिल्ली, श्री विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन गुरुग्राम, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन सिविल लाइंस दिल्ली, श्री राजन जैन, श्रीमती मोनिका जैन जनकपुरी दिल्ली, श्री अनिल जैन, श्रीमती मधु जैन परिवार पोलो रोड दिल्ली, श्री राजीव जैन, श्रीमती संजुला जैन परिवार गुरुग्राम। सुंदर सा प्रसंग है कि आज श्री दिगंबर जैन मंदिर स्टेट बैंक कॉलोनी में लगभग जो 40 वर्ष के आसपास या उससे अधिक मंदिर को बनकर हो चुके हैं, उस मंदिर को पुनः जीर्णोद्धार किया जा रहा है। मंदिर जी का संरक्षण संवर्धन किया जा रहा है और जनवरी के महीने में चिंतामणि पारसनाथ भगवान कठिने जी, भगवान महावीर स्वामी और गुरुदेव आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज का मंगल आशीर्वाद लेकर आप सभी ने मंदिर को विधिवत भगवान जी को कुछ समय के लिए नवीन वेदिका पर विराजमान किया और संकल्पित किया कि जुलाई के महीने तक हम पूर्ण रूपेण आपको आपकी नवीन वेदी पर विराजमान कर देंगे। साथ ही साथ में जिन मंदिर में जो मां पद्मावती देवी की वेदी विराजमान है, शास्त्र की वेदी विराजमान है, उनको और उनके साथ साथ में दो नई वेदी का निर्माण हो रहा है। एक वेदी ओम की बनेगी जिसमें पंच परमेश्वरी भगवान अर्थात अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु विराजित होंगे और साथ ही साथ में एक रीम की वेदी विराजमान होगी। रीम में कितने भगवान होते हैं? 24 तीर्थंकर भगवान। अर्थात आप लोग जब मंत्र बोलते हो ओम रीम नमः, तो कहीं पर भी नमः की वेदी नहीं होती, ओम की और रीम की होती है। तो जब जुलाई के महीने में भगवान विराजमान हो जाएंगे, आप लोग मंत्र पढ़ोगे तो देख के कर सकते हो ओम रीम और नमः, कि ये आपका पुण्य रहेगा कि आपको एक ही साथ में आपके जिनालय में जो भगवान की के साइड में पीछे ओम रीम नमः की वेदी स्थापित करने का अवसर मिलेगा। तो यहां पर आज वेदी का शिलान्यास है। शिलान्यास कई तरह से होते हैं। पहले घर का होता है, मकान का होता है, फैक्ट्री का होता है, अन्य अन्य जगहों का शिलान्यास होता है। और जो शिलान्यास होता है उसमें आपने देखा होगा कि वहां पर पहले गड्ढा किया जाता है और गड्ढा करने के बाद में जो अंदर यदि ये तो अपन वेदी को फिर से शिलान्यास कर रहे हैं तो पहले से ही मंदिर मंत्रित है, लेकिन जब सबसे नई जगह पर शिलान्यास किया जाता है तो गड्ढा खोदा जाता है और गड्ढे खोदने के बाद में एक माप तक गड्ढा खोद के उस भूमि को चयन किया जाता है। गुरुदेव जब हमको मंदिर का वास्तु पढ़ा रहे थे तो उन्होंने बताया था कि
कि भूमि का परीक्षण कैसे होता है, घर की भूमि हो, मंदिर की भूमि हो, कहीं की भूमि हो, कि हम लोग गड्ढा खोदते हैं और गड्ढा खोदने के बाद उसकी मिट्टी को निकालते हैं और पुनश्च उस मिट्टी को वापिस भर देते हैं। तो कहते हैं कि मिट्टी भरने के बाद में थोड़ी सी मिट्टी बच जाती है तो समझ के चलना कि भूमि बहुत उपजाऊ है और दाता को बहुत फल देने वाली होगी। यदि मिट्टी का लेवल बराबर हो जाता है तो भी ठीक है, लेकिन यदि गड्ढा खोदते हैं और मिट्टी बहुत कम रह जाती है तो कहीं ना कहीं भूमि में कुछ विकल्प संकल्प आ सकता है। हर जगह शिलान्यास होता है, बात यहां पर वेदी शिलान्यास की है, हर जगह यहां पर भगवान की वेदी का शिलान्यास होता है, अन्य सारी क्रियाएं वहां पर की जाती हैं, लेकिन शिलान्यास करते समय आपकी अंतरंग के परिणाम, आपकी अंतरंग के भाव कैसे हैं? जब हम शिला को रखने के लिए गड्ढे में जाते हैं तो उस समय यह विचार करना है कि हे भगवान, हम आपके वेदी के निर्माण के लिए निश्चित रूप से शिलान्यास करने जा रहे हैं, लेकिन आप हमें ऐसा आशीर्वाद देना कि जिस प्रकार से वेदी का शिलान्यास करते हैं, बहुत सारी शिलाओं के माध्यम से शिलान्यास करते हैं, पुनश्च वेदी ऊपर आ जाती है और उस पर श्री जी विराजमान हो जाते हैं, आने वाले समय में हमारा भी जीवन ऐसा हो कि हम भी नीचे से ऊपर की ओर जाएं और हमारे मस्तक पर श्री जी विराजमान हो, देव शास्त्र गुरु का सानिध्य हमें प्राप्त हो, ऐसी भावना प्रत्येक व्यक्ति को भाने का प्रयास करना चाहिए। वह शीश भाग्यशाली नहीं है, वह मस्तक पुण्यशाली नहीं है, वह सिर सौभाग्य का वर्धन करने वाला नहीं है जिसके सिर पर रोज लोग तेल लगाते हैं गंगी का। वह शीश भी भाग्यशाली पुण्यशाली नहीं है जहां पर लोग रोज तरह तरह की टोपी बदलते हैं आदि आदि कार्य को करते हैं, बल्कि आचार्यों ने कहा कि शीश वही भाग्यशाली सौभाग्यशाली हुआ करता है जिनके मस्तक पर कभी ना कभी देव शास्त्र गुरु आसीन होते हैं, और जब देव शास्त्र गुरु आपके मस्तक पर आसीन हो गए तो आपको मस्तक पर किसी को आसीन करने की जरूरत नहीं, जिनवाणी मां उनको सिर पर आसीन कर सकते। आप बोलोगे गुरु को कैसे आसीन किया जाए, भगवान को तो मस्तक पर अभिषेक के समय कर सकते हैं, गुरु को कैसे आसीन किया जाए? तो आचार्य कहते हैं कि गुरु को आसीन करने का मतलब है कि आप सिर झुकाओ और आपके शीश पर गुरु का आशीष मिल जाए, तो समझ के चलना कि आपका शीश भाग्यशाली सौभाग्यशाली पुण्यशाली हो जाएगा। क्योंकि कहते हैं शीश मिले तो एक गुरु मिले तो भी सस्ता जान, कि हमारा सिर झुके, झुकना समझते हैं आप लोग, इंसान बहुत जगह झुकता है, ऐसा कोई समय नहीं है जहां इंसान झुकता ना हो। यदि आप पानी पीते हो तो कैसे पीते हो, ऐसे करना पानी नहीं कहलाता है, ऐसा करना कुछ और कहलाता है। यदि पानी पीते हो तो आपको सिर को झुकाना पड़ता है, भोजन करते हो तो सिर को झुकाना पड़ता है, वस्त्रों को पहनना है तो सिर को झुकाना पड़ता है, और बहुत सारे काम हैं जहां पर आपको करना है वहां पर सिर को झुकाना पड़ता है, लेकिन वहां पर सिर झुकाने से कुछ नहीं मिलता। लेकिन आप यदि परमात्मा के पास, जिनवाणी मां के पास, गुरु के पास सिर को झुकाते हो तो गुरु का आशीष आपके शीश पर होता है, और जिस शीश पर गुरु का आशीष होता है उस शीश को दर दर की ठोकरें खाना नहीं पड़ता। आप करिए तो, प्रयास तो कीजिए, भावना तो भाई है, आप यदि अच्छी भावना भाते हो, सुंदर भावना भाते हो, संकल्पित होकर कार्य करते हो, उसका परिणाम सामने। स्ट्रीमिंग कॉलोनी चूंकि हमारा 2012 से आना है, सबसे पहले गुरुदेव के साथ में आए थे, दूसरी बार गुरुदेव के साथ में आए थे, उसके बाद में यहां पर लगभग 11 साल पहले 2013 में चतुर्मास हुआ था, उस समय सबको लग रहा था कॉलोनी के अंदर गिनती के 10 घर भी नहीं, कैसे चतुर्मास होगा, कैसे आहार होगा, कैसे व्यवस्था बनेगी। लेकिन कहते ना कि आप यदि संकल्पित मन से काम करोगे, भगवान का आशीर्वाद आप लोगे, गुरु का आशीर्वाद लोगे, तो काम आपके इस तरह से हो जाएंगे जैसे कि आप कभी जीवन में सोचते ही नहीं थे, इस तरह से आपके कार्य यहां पर हो जाएंगे, ऐसी भावना आपने बनाई तो आज उसका फल है।
कि यहाँ बड़े बड़े विधान, बड़ी बड़ी पूजाएं, प्रतिष्ठा महोत्सव, और आज आपके जीवन का सबसे बड़ा कार्य अर्थात जिन मंदिर की वेदी का शिलान्यास आप देख रहे हो, और आने वाले जुलाई के महीने में वेदी पर श्री जी को विराजमान करता हुआ भी आप देखने का प्रयास करोगे, यह आपके जीवन का पुण्य है, ये आपके जीवन का भाग्य है। तो आज यहां पर वेदी का शिलान्यास होगा, मुख्य शिलान्यासकर्ता परिवार शिलान करेंगे, अष्ट शिलाएं रखने वाले शिला रखेंगे, 24 शिला रखने वाले शिला रखेंगे, एक कलश रखा जाएगा, एक कलश आपके सामने रखा जाएगा, और आपको बताऊं कि हर जगह कलश आप रखते हो उसके ऊपर श्रीफल रखा जाता है, लेकिन यहां जब वेदी पर कलश रखा जाएगा तो एक कलश कभी रखा आपने? कोई लोग हैं जिन्होंने कभी वेदी के अंदर कलश रखा है? आपको पता होगा कैसे रखते हैं, कैसे रखते हैं कलश? कलश के ऊपर जलता हुआ दीपक रखा जाता है, उसके अंदर रतन रखे जाते हैं, उसके अंदर नवरतन रखे जाते हैं, और उसके बाद में जलता हुआ दीपक वेदी पर रखा जाता है। उसका तात्पर्य यही होता है कि हमारे यहाँ पर जो हम दीपक को जलता हुआ रख रहे हैं, हमारे घर में भी हमेशा ज्ञान की, ध्यान की, सुख की, शांति की, समृद्धि की रोशनी हमेशा जलती रहे। यही जलते हुए दीपक का प्रकाश आपको संदेश देता है कि आपके जीवन में कभी भी अंधकार, अभी अवसर मिलेगा मुख्य शिलान्यास वालों के साथ में, चार लोगों का अवसर प्राप्त होगा, ये पुण्य का अवसर आपको मिलेगा, और आप अपने जीवन को प्रज्वलित कर सकते हैं भगवान की, जिन मंदिर का निर्माण जो व्यक्ति कराता है उसके जीवन का कभी ना कभी निर्माण जरूर होता है। यदि आप जिन मंदिर में भगवान जी की वेदी का, जिन चैत्यालय का, जिन भवन का निर्माण करा रहे हैं, तो आप ये पक्का मानना कि कहीं ना कहीं जीवन में, इस भाव में, अगले भाव में, 100 भाव के बाद कभी ना कभी आपके निर्वाण की यात्रा हो सकती है। निर्वाण अर्थात मोक्ष। आज वेदी का निर्वाण कराएंगे, आपके जीवन में निर्वाण की यात्रा पक्की है। ऐसा नहीं है कि जो वेदी बना रहा है उसी का निर्वाण मिलेगा, बल्कि जो वेदी का शिलान्यास देख रहे हैं वह भी निर्वाण की यात्रा में जुड़ रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि महाराज जी आपने एक बात कह दी कि 1000 भव बाद मोक्ष मिलेगा, जिसका मतलब हमको 1000 भव तक जन्म मरण के चक्कर काटना पड़ेंगे। कोई बात नहीं, आपका नाम यदि मुक्ति के राह में, निर्वाण के राह में आ रहा है तो आपका कल्याण निश्चित है। प्रसंग याद आया, एक जगह भगवान का समोषण लगा हुआ था, और समोषण में हर जीव जाता है, और वहां जाकर क्या पूछता है कि मेरे साथ क्या होगा, प्रश्न पूछता है, शंका के समाधान लेता है। तो एक व्यक्ति बहुत गरीब था, कुआरा था, उसके पास कुछ भी नहीं था, वह भी भगवान के समोषण में जाने के लिए उद्यत हुआ। तो रास्ते में जब जा रहा था तो उसे एक किसान मिला, कहने लगा मैं बहुत परेशान हूं, बहुत दुखी हूं, बहुत तकलीफ में हूं। बोले क्यों? बोले मेरे जो खेत है पूरा बंजर हो गया, जर्जर हो गया, इसमें कुछ उपजता ही नहीं, आप मेरी कम से कम शंका वहां समोषण पूछ लीजिए। समोषण समझ लीजिए या गुरु का सानिध्य समझ लीजिए, सत्संग समझ लीजिए, कुछ भी समझ लीजिए आप इसको। आगे बढ़े, इतने में एक गांव में रुके, एक उन्होंने देखा सुंदर सी कन्या, लेकिन गूंगी थी। उन्होंने प्रश्न करा कि भगवान से पूछ लेना कि मेरी कन्या कब बोलेगी। आगे चले तो एक राजा मिला। राजा ने कहा कि तुम जा रहे हो कम से कम इतना प्रश्न पूछ लेना कि मेरे बाद मेरे राज्य का उत्तराधिकारी कौन होगा। और वह व्यक्ति वहां पर पहुंचा, और जैसे ही सत्संग में पहुंचा वहां पर कहा गया जिसको प्रश्न करना है प्रश्न कर ले, लेकिन एक व्यक्ति 3 से ज्यादा प्रश्न नहीं करेगा।
अब वो छोड़े तो कौन सा छोड़े, छोड़े तो कौन सा छोड़े। उसने कहा राजा का नहीं पूछूंगा, राजा का पूछने जरूरत नहीं है। उसने पहला प्रश्न पूछा कि किसान है, बर्जर भूमि है, वह कहां पर गड्ढा खोदे कि उसका काम चालू हो जाए। उन्होंने कहा कि मध्य में गड्ढा खोले, किसान का जीवन बन जाएगा। उन्होंने दूसरा प्रश्न किया, एक सुंदर सी कन्या है लेकिन बोलती नहीं है, गूंगी है, क्या करे कि वह बोलना प्रारंभ कर दे। उन्होंने कहा कि जिस इंसान को देखकर वह बोलने लग जाएगी, उसके साथ उसका वरण भी हो जाएगा, उसका विवाह भी हो जाएगा, और जिसको देखकर बोलेगी वही उसका वर होगा। अब तीसरा प्रश्न उसको अपना पूछना था कि मेरी गरीबी कब मिटेगी, मेरी शादी कब होगी, और कुछ तीसरा प्रश्न पूछने वाला था। लेकिन उसको अपनी मां की सीख याद आई कि बोले बेटा अपना नुकसान हो जाए हो जाने दो, लेकिन कभी किसी का भला हमारे कारण हो तो उस बात को ध्यान रखना है। तो उसने कहा कोई बात नहीं, मेरा तो जो हो रहा है होएगा, चलता रहेगा, जी तो रहा हूं। उसने कहा कि राज्य का राजा कौन बनेगा। तो उन्होंने कहा कि हाथी जब जाएगा, वरमाला लेकर जाएगा, वो जिस व्यक्ति के गले में माला डाल देगा, वरमाला डाल देगा, वही राज्य का उत्तराधिकारी होगा। उसने कहा एक प्रश्न और पूछ लूं। वहां का नहीं, तीन प्रश्न पूछने की जरूरत है। सोचिए आपके सामने ऐसा प्रसंग आए कि आपके पड़ोसी ने आपसे कहा कि ये सामान ले आना, और दुकान पर सामान एक ही है और आप एक लेकर आए, तो आप लोगों के पड़ोसी को दोगे? महाराज आपके सामने तो बोलना ही पड़ेगा, पड़ोसी को देंगे? सब लोग पड़ोसी को देख रहे हैं, मेरे पड़ोस में कौन बैठा हुआ है? सब लोग पड़ोसी को देख रहे हैं कि मेरे पड़ोस में कौन बैठा हुआ है? ध्यान रखना, इस पंचम काल में इतना ईमानदार कोई नहीं है। बल्कि यदि महाराज ने कह भी दिया कि ये पेन उसको दे देना, तो चलता पेन अपने पास रखेगा, बिना चला उसको दे देगा। ये संसार है, ये संसार है। और बात यह है कि इस संसार में हम सभी रहते हैं। बता रहा था उससे तीनों प्रश्न पूछे और राजा के पास गया। राजा ने पूछा भाई क्या बात है? उन्होंने कहा कि जो हाथी जिसके गले में डाल देगा वही उत्तराधिकारी होगा, और चला गया। अंदर वहां पर पहुंचा, उसने कहा कि आपकी कन्या जिसको देखकर बोलेगी वही उसका पति होगा और बोलना प्रारंभ कर देगी, चला गया। उसके बाद में किसान के पास पहुंचा, किसान के पास पहुंचा, उसने कहा कि आप मध्य में गड्ढा करो और वहां से आपका काम चालू हो जाएगा। तो किसान ने पूछा तुम क्या करते हो? बोले मैं तो बेरोजगार हूं, ऐसा करो गड्ढा खुदवाओ मेरे साथ में, मैं तुम्हें कुछ दूंगा। तो गड्ढा खोदना चालू कर दिया, और दो तीन दिन के बाद गड्ढा खोदा तो उसमें बहुत सारी सोने चांदी हीरे की असरफिये निकली, हीरे निकले, माणिक पन्ने निकले। तो किसान ने कहा देखो हो ना हो, भला तो मेरा इसके कारण हुआ है, इसलिए मैं इसको कुछ ना कुछ दूंगा। और उसने बहुत सारी संपत्ति दी। अब जब इंसान के पास संपत्ति आती है तो सबसे पहले क्या करता है? संपत्ति जब इंसान के पास में आती है तो सबसे पहले क्या करता है बताइए मुझे आप, क्या करता है? जरूरत की चीज पूरी करता है। लेकिन पुण्यशाली, भाग्यशाली, सौभाग्यशाली वह होता है जो संपत्ति को आने के बाद सबसे पहले देव शास्त्र गुरु के चरणों में अर्पण करता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सौभाग्य कोहिनूर, श्री संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, ग्रेटर कैलाश दिल्ली, श्री विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन गुरुग्राम, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन सिविल लाइंस दिल्ली, श्री राजन जैन, श्रीमती मोनिका जैन जनकपुरी दिल्ली, श्री अनिल जैन, श्रीमती मधु जैन परिवार पोलो रोड दिल्ली, श्री राजीव जैन, श्रीमती संजुला जैन परिवार गुरुग्राम,